Welcome to my YouTube channel. Let's study with Sangeeta Best. Subscribe and press the notification icon to see our videos first. Hello or welcome back, students. In today's video, we are going to continue your exercise 13.2 of Class 9 Mathematics. This is part 2 in which we are going to discuss 3 questions. Okay, so we will discuss question number 6, 7th and 8th. Why 3 question? Because when I record, you know, zyada question record karti hu, to aapka kya the problem is ki video jo hai wo bahut zyada lengthy ho jata hai, right? So I'll try to, you know, make video in parts that will help you to understand more. तो इससे क्या होगा आपको parts में मेरे according मुझे ऐसा लगता है कि parts में better रहेगा. So that's why मैंने इसमें सिर्फ 6 questions लिए हैं and in मतलब 3 questions लिए हैं. तो मैं ऐसे करूँगी, जैसे देखो question में कुछ वो होते हैं points तो वो मैं लिख ले रही हूँ, solve आपके सामने ही करूँगी तो उससे timing save होगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू विल सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. प्लीज ओपन योर बुक्स. ठीक है, मेरे साथ करना स्टार्ट करो और अपने बुक्स ओपन कर लो जल्दी जल्दी ताकि हम साथ में क्वेश्चन को पढ़ें और करें. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे क्योंकि हम लास्ट जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 5th तक कर चुके हैं. ठीक है ना, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू इज. सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर. तो देखो मैंने क्या करा, मैंने लिखा है कि कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए मीन्स मैंने बताया था क्या होता है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर. ये आपको गिवन है. तो पहले किस तरीके से हम करते हैं, पहले हम इंफॉर्मेशन जो लिखी होती है उसको मतलब गिवन होती है उसको हम लिखते हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट इज द रेडियस. इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर. रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर का मीनिंग क्या है. देखो वो बेस ऑफ सिलेंडर, वाई बेस ऑफ सिलेंडर बोलता है. देखो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, तो ये आपका बेस होता है ना, तो इसमें ही तो रेडियस होता है. दैट्स वाई दे आर सेइंग कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर. यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज. बेस का रेडियस बोल रहा है, इसका मतलब वो सिलेंडर का रेडियस ही बताना चाह रहा है. आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या बोल रहा है, बिकॉज बेस होता है, स्पेस में ही रेडियस होता है. दैट्स वाई दे आर सेइंग कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. सो दिस इज 0.7 मीटर. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज फाइंड द हाइट. ठीक है, अब तक हम जो फाइंड करते थे वो हमें दिया हुआ है और जिनकी हेल्प से करते थे वो निकालना है. तो देखो आपका सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बताओ, 2πRh. और ये आपको दिया है 4.4. वैल्यू पुट करो 2 × 22/7, आर की जगह 0.7 और एच आपको निकालना है. ठीक है, तो 4.4 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 7 × 1 = ये 0.1 हो जाएगा. तो आपके पास इस तरफ क्या हो गया, 2 × 22 × 0.1 × h. अब ये सारे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड. तो 4.4 डिवाइडेड बाय 2 × 22 × 0.1 इज इक्वल टू h. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखो 2 × 1 = 2.2. ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा 22 × 1 और ये 0.1. 0.1 से 0.1 कट जाएगा तो आ जाएगा 1. सो h इज इक्वल टू आपकी कितनी आ गई, 1 मीटर. तो आपकी हाइट कितनी आ गई सिलेंडर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर की, 1 मीटर. अच्छा एक बात और, मैंने आपको इसका मीनिंग नहीं बताया, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं. देखो जो सिलेंडर होता है ना उसका ये रेडियस होता है, ऊपर भी और नीचे भी रेडियस होता है. तो ये सिलेंडर में जो है रेडियस पे आपका ऑब्वियसली सेंटर होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है. ठीक है, तो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, समझ आ गया. चलो अब क्वेश्चन नंबर 7th पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 7th करते हैं अब हम. ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7th आपका. क्वेश्चन नंबर 7th पढ़ेंगे साथ के साथ.
क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या बोलता है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वॉल इज 3.5 मीटर. तो इनर डायमीटर मैंने लिखा है 3.5 मीटर, ठीक है. एंड इट इज 10 मीटर डीप. डीप बोला है, आपका एक वेल है, मीन्स कुआं है, वो इस तरीके से होगा. देखो इनर भी आउटर भी, क्योंकि आपने देखा कुआं, कुआं जो होता है, वे जो होता है इसमें ये थिकनेस होती है, इस तरीके से कुछ बना होता है वो, ठीक है, इस तरीके से वो कुछ बना रहता है. तो इसका इनर डायमीटर यहां से लेके ये वाला डायमीटर, इनर डायमीटर ये है, और इसकी डेप्थ, डेप्थ यानी कितना गहरा है. तो ऑब्वियसली जो इतना गहरा होगा उसकी हम वो क्या मानेंगे कि वो हाइट है. उसके बाद बोलता है फाइंड, आपको पहले पार्ट में निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया, फिर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालनी है. तो बता रहा है कि रेट ऑफ प्लास्टरिंग ₹40 per meter square है, यानी कि 1 meter square पे प्लास्टर करने के ₹40 लगेंगे, ये बोल रहा है यहाँ पे. ओके चलो अब आगे करते हैं. सबसे पहले देखिए पार्ट वन में आपको क्या निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है. क्या निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया. इनर कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है, ऑब्वियसली तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh होता है. तो इनर कर्व्ड बोल रहा है तो 2 फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन देखो h की वैल्यू मुझे पता है लेकिन रेडियस नहीं पता, बिकॉज मैंने डायमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू d अपॉन में 2. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 2. फॉर्मूले में अब हम पुट कर देंगे तो 2 × 22/7, r की जगह 3.5/2, इंटू एच की जगह क्या आ जाएगा आपका 10. 2 से 2 कट जाएगा, 7 × 1 ये 0.5. 22 × 0.5 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे आपका 110 meter square आ जाएगा. ओके मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो आपका ये 110 meter square आ जाएगा. गॉट इट. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल सेकंड पार्ट में बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ, ठीक है. तो इनर को ही वो प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है ना. ऑब्वियसली जो कुआं होता है वो अब बाहर से जो जो ना दिखता है उसका कुछ ही पार्ट होता है, बाकी तो वो जमीन के अंदर होता है. तो इनर ही तो आपको दिखता है, इनर है मी, मैं ही तो पानी होता है ना. तो इनर को प्लास्टर करने की कॉस्ट बना बतानी है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो कॉस्ट है, देखो सेकंड पार्ट कैसे करोगे आप, सेकंड पार्ट में लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 meter square इज इक्वल टू ₹40. तो आपका कॉस्ट किसके निकालने है? आपको कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 meter square इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 × 110. तो ये आपका आ जाएगा ₹4400. वही वाली बात होगी कि एक पेन की कीमत ₹5, तो बताओ 20 की कितनी होगी. तो वैसे अगर 1 meter square पे प्लास्टर करने के ₹40 लग रहे हैं, तो बताओ 110 meter पे कितने लगेंगे. तो इंटू क्या कर दोगे आप, 40 कर दोगे, ठीक है. गॉट इट. इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट. अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन. ओके तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है. तो लो रीड करो क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं. देखिए क्या लिखा है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ अ लेंथ 28 meter. तो लेंथ ऑब्वियसली देखो आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है कि सिलेंडर के प्रस्पेक्टिव में डेप्थ बोले या लेंथ बोले दोनों का मतलब ही क्या होता है, हाइट होता है. यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज. ओके सो डेप्थ बोले, लेंथ बोले, हाइट बोले, सबका मीनिंग ऑब्वियसली क्या होता है, हाइट ही होता है. ओके चलो ठीक है, तो ये आपकी हाइट होगी, है ना. नेक्स्ट उसके बाद एंड डायमीटर 5 centimeter, डायमीटर 5 centimeter. तो बोलता है आपको फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया. आपको क्या निकालना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया. सरफेस एरिया फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया. रेडिएटिंग का मीनिंग का क्या होता है, जो जैसे सपोज आपका ये सर्कल है तो ये रेडियस से घूमता है ना, रेडिएटिंग, तो इसको बोलते हैं रेडिएटिंग. यानी कि रेडिएटिंग का मीनिंग आपका क्या हो जाता है, रेडिएटिंग का मीनिंग का होता है कर्व सरफेस एरिया. ओके चलो
अब आपको पता है आपको क्या करना है, तो आपको देखो डायमीटर गिवन है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, रेडियस। तो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस निकलेगा आपका, रेडियस यानी कि आर इज इक्वल टू 5/2, ये आपका 5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन आपका जो हाइट है वो मीटर में है, तो आप क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। आप सेंटीमीटर को मीटर में भी कर सकते हो, मीटर को सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, लेकिन हम एरिया को ना सेंटीमीटर से ज्यादा मीटर में प्रेफर करते हैं, ओके। तो इसलिए आप क्या कोशिश करो, जब आपका 1 यूनिट मीटर में, 1 यूनिट सेंटीमीटर में, तो आप कोशिश करो कि सेंटीमीटर वाले को मीटर में चेंज कर दो। जब मैं इसको मीटर में चेंज करूंगी तो इंटू नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 5/200 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 5 5 1 5 4, तो ये 1/40 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व देखो यहाँ पे लिखोगे टोटल रेडिएटिंग, टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, 2 × 22/7, आर इज 1/40 एंड एच इज 28, ठीक है। तो आप देखो इसको करो, 7 1 7 4 28, 4 1 4 10, तो आपका 44/10 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4.4 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। आई होप इट्स रियली मच क्लियर टू यू गाइस, ओके। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर रिमेनिंग 3 क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। I hope you understand. If you have any doubt, please let me know on the comment section. And please make sure that you will subscribe to my channel. And please just share with your friend, okay? Because it will help me a lot. And yeah, that's it. So until then, आप क्या करो, सारा जो मैंने देखो आपके 8 questions हो गए हैं, तो आप क्या करो, 8 questions को ना revise करो, ठीक है। तो आप अच्छे से उनको रिवाइज कर लो, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट जो मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगी आप वो भी कर लेना, तो इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।